तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा ही सरल सा श्लोक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैत्रेय मुनि विदुर के सामने भागवत पुराण प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो यानी कि अभी तक जो चल रहा था वो भागवत पुराण नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि वास्तव जो भगवान भगवत गीता के विषयों पर ज्ञान के विषय में बोलना प्रारंभ करते हैं वो दूसरे अध्याय से है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पहला अध्याय इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर पहले अध्याय की आवश्यकता नहीं है, हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। पहला अध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 18 अध्याय है या फिर 10वां है या 9वां। वह श्लोक भी इतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो कहा जाता है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होता है, वह श्लोक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे जितने भी श्लोक भगवद गीता में है या भागवत पुराण में है सब एक समान महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई भी वस्तु अग्नि से संपर्क में आकर अग्नि बन जाता है, उसी प्रकार कोई भी विषय कृष्ण के संपर्क में आने से वो भागवत कथा ही बन जाता है। तो उसी प्रकार क्योंकि इस विषय का जो केंद्र है वो कृष्ण है, इसीलिए सब कुछ एक समान महत्वपूर्ण है। और इसी को कहते हैं अद्वय, अद्वय यानी जिसमें कोई द्वितीयता नहीं है, अद्वैत जिसको कहते हैं। तो अद्वैत ज्ञान या अद्वै ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथ, क्योंकि सारा जैसे भगवद गीता में हम देखते हैं सारे जो लोग वहां खड़े थे और सारा जो सीन है मतलब जो सब लोग घोड़े हाथी दुर्योधन और उनके दुर्योधन के सारे जो आर्मी है और पांडवों के आर्मी सब लोग वहां खड़े हैं, लेकिन कृष्ण जो है केंद्र है। तो इसीलिए पहले जो अध्याय में है वॉर के बारे में या फिर युद्ध के बारे में उसमें और योद्धाओं के बारे में विस्तार दिया हुआ है भगवद गीता के। इसका अर्थ ये नहीं है कि अरे हम तो भक्त है हमें इससे क्या लेना, युद्ध युद्ध से हमें क्या लेना, हम तो शांतिपूर्वक अपना जाप करते हैं, हमें सिर्फ सीधा जो है 7वें अध्याय से ही हमें ध्यान देना है भगवद गीता में, ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि कृष्ण केंद्र है इन सभी प्रकार के व्यवहारों का एक्टिविटीज का, इसलिए सब कुछ कृष्ण के संपर्क में आकर आध्यात्मिक बन गया है। भले ही जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति कम किया है जिस व्यक्ति ने, उसे लगेगा कि ये तो युद्ध है, वो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को भागित कर देता है, यानी कि ही गिव्स अ हायरार्की टू द एक्टिविटीज और पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड। उनको लगता है कि भगवान की जो रास लीला है वह अधिक महत्वपूर्ण है और भगवान के जो कुरुक्षेत्र में युद्ध लीला है वो कम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं रास लीला पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए जब मैं भागवत कथा करूंगा सिर्फ रास लीला कहूंगा। ऐसे कम बुद्धि वालों को ऐसे लगता है। भगवान की हर लीला भले हो युद्ध क्षेत्र में, भले हो यशोदा माता के गोद में हो या फिर भले हो गोपियों के साथ या फिर अर्जुन के साथ, सब एक समान है और सभी का महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर जब मैत्रेय मुनि कह रहे अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करूंगा, यानी कि हमें पिछले के अध्यायों को भूलना नहीं है, अभी आगे से ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ भागवत पुराण ही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र क्या है, श्री कृष्ण केंद्र है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अभी मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि अब से मैं तुम्हें कुछ तत्व ज्ञान दूंगा जो श्री कृष्ण से संबंधित है और जिसको सुनने के बाद
इसको सुनने के बाद क्या होगा, हमारे जो कर्म है, जो एक्टिविटीज है, वो प्योर हो जाएंगे। यानी कि हम जिस प्रकार से अभी प्रवृत्ति कर रहे हैं उसे हमें आइडिया मिल जाएगा कि आगे से सुनने से कि हमें वास्तव में किस प्रकार से हमें बिहेव करना है या फिर हमारे कर्म किस प्रकार से होने चाहिए। तो यहाँ पर भावार्थ में मैत्रेय मुनि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखिए प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था। तो यहाँ पर भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से यानी कि भगवान ने स्वयं ऋषियों से यानी कि ऋषियों में सबसे आगे है सनत कुमार, चार मुनि कुमार उनमें सबसे श्रेष्ठ है सनत कुमार। सो भगवान ने सनत कुमार से कहा और इस प्रकार सनत कुमार ने फिर जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में परंपरागत ये आगे बढ़ता गया। तो सनत कुमार ने सांख्यायन ऋषि से कहा, सांख्यायन ऋषि ने फिर इसे पराशर अपने शिष्य पराशर से कहा, फिर पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय से कहा। इस प्रकार परंपरागत ये चला आ रहा है और यही विधि है जैसे कि हम सब जानते हैं, यही शास्त्र सीखने की यही एकमात्र विधि है। क्या है विधि? एवं परंपरा प्राप्तम, केवल परंपरा के माध्यम से ही हम शास्त्र को समझ पाएंगे। इन्हीं की कहीं से भी किताब उठा लिया और हमने पढ़ लिया और हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, यह संभव है। जिस प्रकार से बिजली तारों के माध्यम से आपके घर तक पहुंचती है, कहां से? केंद्र से, बिजली का जो मुख्य केंद्र है वहां से पहुंचती है। कहीं पर भी बीच में अगर तार कटा हुआ है तो बिजली आप तक नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से यह जो ज्ञान है हम तक पहुंच रहा है। इसी परंपरा के माध्यम से यह संभव है कि जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों को आनंद प्राप्त हो सकता है। इसलिए भागवत पुराण में जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इसका वास्तविक लाभ हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों ही इस भागवत पुराण में रुचि लेते हो। तो यानी कि जो कहने वाला हो भागवत पुराण को वह भागवत होना चाहिए। यानी कि अगर सुनने वाले को भी अगर भगवान का भक्त बनना है तो उसे दो कार्य दो चीजें ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम भागवत पुराण जैसे शास्त्र का शरणागत ले एवं भागवत का शरणागत ले, यानी कि जो व्यक्ति भागवत है इनका भी शरणागत ले। इसमें कोई भी अगर मिसिंग हो, यानी कि व्यक्ति भागवत है लेकिन विषय कुछ और हो, या फिर भागवत पुराण है लेकिन कहने वाला भागवत नहीं हो, तो फिर हमें इसका लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर मैत्रेय मुनि सबके लाभ अर्थ इसे सबके सामने रखना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं ये उन लोगों के लिए है खासकर जो अत्य अल्प आनंद के लिए अत्य अधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो ये कहाँ पर ऐसे लोग कहाँ पर है ऐसे लोग कहाँ पर है अत्य अल्प कष्ट के लिए अत्य अधिक कष्ट में फंसे हुए हैं ऐसे लोग कहाँ पर है, कोई बता सकता है? भौतिक जगत में। भौतिक, बहुत अच्छा, भौतिक जगत में अत्य अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं, बहुत अच्छी बात। तो यानी कि हमें ऐसे जगह से अगर निकलना है तो हमें ऐसे जगह पर जाना होगा जहां पे आनंद अत्यल्प नहीं है और कष्ट भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब आनंद जो है अल्प क्षणिक आनंद से इटर्नल सनातन आनंद की तरफ चला जाएगा। और कष्ट का ऑपोजिट क्या है? कष्ट का ऑपोजिट कष्ट, कष्ट मतलब सुख, सुख बिल्कुल। यानी कि हमें
कष्ट, हमें यहाँ कई प्रकार के कष्ट होते हैं, जैसे कि त्रय ताप जिसको कहते हैं, त्रय ताप यानी कि तीन प्रकार के ताप जो है उसका हमें अनुभव यहाँ पर होता है। कोई बता सकता है ये तीन प्रकार के ताप क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि जी दैवीय। यह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार के कष्टों से हम जूझ रहे हैं। तो यानी कि ये तीन कष्ट जो है हमें वहां पर नहीं मिलेंगे। तो ये कष्ट जो हम देख सकते हैं, इसको हम त्रय ताप कहते हैं। त्रय यानी कि तीन और ताप यानी कि ये प्रकार के कष्ट। तो जैसे कि नारद मुनि भी जब व्यासदेव सारे ग्रंथों का उन्होंने संकलन किया और महाभारत भी लिखा सभी के कष्ट को दूर करने के लिए, ये सब लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट तृप्त नहीं, अपने आप को तृप्त नहीं पा रहे थे। तो ये स्वाभाविक है कि अगर मैंने किसी को कष्ट दूर करने के लिए लिखा है, तो अगर मेरा ही कष्ट दूर नहीं हो रहा है फिर दूसरों का कैसे होगा, है कि नहीं? जब व्यासदेव ने लिखा ये सब कुछ ये सोच के कि मैं सभी जो सामान्य जन है इन सबका कष्ट दूर करने में यह मदद करेगा, तो उन्होंने लिखा और सब कुछ लिखने के बाद उनके भीतर ही कष्ट आने लगा, यानी कि वो पूरी तरह से आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो वे समझ गए कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट है जितना भी मैंने लिखा है। तभी उनके सामने प्रत्यक्ष हुए उनके गुरुदेव। उनके गुरुदेव यानी कि कौन कौन प्रत्यक्ष हुए? बिल्कुल नारद मुनि प्रभु जी। नारद मुनि। नारद मुनि वैष्णवों में सबसे उत्तम नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए उनका कष्ट दूर करने के लिए। तो नारद मुनि जैसे महाभागवत का जो शरणागत ले सकते हैं उनका कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। तो इस प्रकार नारद मुनि जब वहां पर आए उन्होंने कहा आपने कष्ट जो है दूर करने के लिए भौतिक जनों को वही सब कुछ आश्रय लेने की बात कही है जो भौतिकतावाद से ही आप कष्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया। जो आप भौतिक जगत के विषय में या फिर भौतिक भौतिक लोगों के कष्ट को दूर करने की बात कर रहे हैं, आप इसको भौतिक चिकित्सा के माध्यम से ही इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नारद मुनि उनसे ऐसा कहते हैं व्यासदेव से, ये संभव नहीं है। उदाहरण के लिए नारद मुनि एक उदाहरण भी देती है देते हैं। जैसे दूध से अगर पेट खराब हो जाता है किसी का, तो आयुर्वेद में एक विधि है कि दूध से ही इसको ठीक किया जाता है, लेकिन उस दूध को ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी चिकित्सा करना पड़ेगा। उसको क्या बनाना पड़ेगा फिर पेट ठीक करने के लिए? दूध को क्या करना? दही दही, दही। तो दूध से अगर पेट खराब हुआ है तो दूध को किसी चीज के साथ मिक्स करने से यानी कि उसको ट्रीट करने से ही ठीक हो सकता है, दूध से ही दोबारा ठीक नहीं हो सकता पेट। तो उसी प्रकार नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं कि आपने जो सब कुछ लिखा है वो ठीक है, लेकिन ये केवल उसी भौतिकतावादी पे निर्भर है और भौतिक चीज जैसे साइंटिस्ट जो है इसी भौतिक जगत की चीजों से अपने भौतिक कार्यों को संपन्न करने या फिर उसे भौतिक दुखों को कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? इसी यहाँ इसी जगत से चीजों को उठाकर अपने भौतिक। लेकिन आप देख सकते हैं इतना एडवांसमेंट के बाद भी बहुत कष्ट है लोगों के पास, क्योंकि ये विधि नहीं है, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। मुझे श्लोक कभी याद नहीं आ रहा है, एक जगह पर नारद मुनि कहते हैं कि अगर कोई इसको देख सकता है कहीं पर गूगल पे, या एतद एतद शुचिताम एषत समसुचिताम, एतद समसुचिताम यानी कि त्रयतापचिकित्सितम, त्रयतापचिकित्सितम एतद, ये डिसाइड हुआ है। नारद भी ऐसे बोलते हैं, एतद समसुचिताम
ब्रह्मण एतत् संसुचितं ब्रह्मण त्रयताप चिकित्सितं। ये त्रयताप को कैसे चिकित्सा किया जाता है? तदीश्वर भगवती कर्म ब्रह्मणी भावितम्। ये है श्लोक, कर्म ब्रह्मणी भावितम्। ये नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं जब तक ये त्रयताप की चिकित्सा कैसे हो सकती है? कर्म रहेगा, कर्म कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन इस कर्म को क्या करना होगा? ब्रह्मणी भावितम्। कर्म को आपको ब्रह्मण यानी कि भगवान से, तदीश्वरे भगवती भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तो वही कर्म प्यूरिफाई हो जाता है और वो ट्रीटमेंट करने लगता है हमारे कर्मों को। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैत्रेय मुनि कह रहे अति अल्प और अत्यधिक कष्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, इस ये कर्म से ही ये अत्यधिक आनंद या अत्यल्प आनंद और अत्यधिक कष्ट हमें प्राप्त हो रहा है इस कर्म से। तो कर्म सत्य है, तो कर्म का बंधन को हमें हटाना है। कर्म जो है अति अल्प है यहाँ पर, और कर्म का जो रिएक्शन है वो अति अल्प है और कष्ट प्रदान है। तो यानी कि उस कर्म को अगर हम कृष्ण से जोड़ देंगे तो फिर हमारा जो है कर्म प्यूरिफाई हो जाएगा और आनंद भी रहेगा, कष्ट भी नहीं रहेगा, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा हमें, रियलाइजेशन होगा। तो यही करना है, हर जगह यही बताया गया है। जैसे रूप गोस्वामी भी यही कहते हैं, नारद मुनि भी यही कहते हैं कि हमें हमारे कर्म को कृष्ण से जोड़ना है। तो यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं हम देख रहे हैं सब जो है आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन इसका एक ही अंतर है, यहाँ पर सब कुछ अति अल्प है, अति क्षणिक है। क्षणिक होने के कारण इसका आनंद भी क्षणिक है, और भौतिक गुणों से संपर्क में आने के कारण इसका जो रिजल्ट है कर्म का, वह क्या है? कष्टप्रदायी है, कष्टप्रदायी, वो कंटामिनेट और वो बंधन का कारण भी। ये नियम है, ये नियम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कर्म है और आध्यात्मिक जगत में कर्म नहीं, आराम से बैठता है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कर्म है, लेकिन वहां का कर्म क्योंकि चिकित्सितम है, ट्रीटेड कर्म है, प्यूरिफाइड कर्म है, वो हमें कष्ट नहीं प्रदान करती है और उसमें कोई बंधन नहीं है, यानी कि उसमें रिसाइकलिंग नहीं है। जैसे कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इस लोक से हमें जोड़ देती, मतलब बांध देती। और जो वैसे कर्म है जो भगवान की, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ है, वो हमें मुक्त कर देती। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कर्म है वो हमें मुक्त कर देते, सदैव हमें मुक्त करते रहते, यानी कि जो आनंद हमें प्राप्त होते हैं मुक्ति का, वो हमें सदैव अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर जो कर्म है उसका रिजल्टेंट एक्शन क्या है? हमेशा बांध देते और अंदर अंदर खींच लेती है, और हमें आनंद भी नहीं मिलता है, थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है अति अल्प। तो सारे लोग इस ज्ञान के विहीन, इस ज्ञान के बिना यहाँ पर कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि अब मैं भागवत पुराण के उन टेक्निकलिटीज को आपको बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप निश्चय रूप से ऐसा ही कर्म करेंगे जो आपको मोक्ष का आनंद प्रदान करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि यहाँ पर भी कर्म है, वहां पर भी कर्म है। नहीं तो कुछ लोग यह समझते हैं कि कर्म समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्म के वजह से ही हमें दुख का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर कर्म नहीं है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह जो भी यहाँ पर जो भी तत्व भगवान भगवद गीता में कहते हैं सब सत्य है, भले ही वो कर्म है, भले ही वो ज्ञान है, भले ही वो आत्मा है, समय है यानी कि काल है, या फिर प्रकृति है, पुरुष है, जीव है, सब सत्य है। बस यहाँ पर वो तीन गुणों से कंटामिनेटेड, वहां पर जाके वो अपने प्योर फॉर्म में एस्टेब्लिश हो जाता है,
जैसे कि या समय काल, जैसे कि देखते हैं काल यहाँ पर क्या कर रही है हमारा, काल का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वह हमारे आयु को क्षीण कर रही है, मतलब अल्प कर रही है। तो इसका अर्थ नहीं है कि हम ऐसे जगह जाएंगे जहां पर ये काल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर काल जो समय है हमारे आयु को क्षीण नहीं करती, ऑपोजिट करेगा, ऑपोजिट, कभी आयु हमारी कम नहीं होगी, इटर्नलिटी, इटर्निटी। तो वहां पर काल इटर्नल है, यहाँ पर टेम्पररी, बस इतना ही है फर्क। सब कुछ वहां पर भी है, इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है ऊर्ध्वम मूल अधव शाखो, वहां पर भी प्रकृति है, लेकिन कैसी है वो प्रकृति, इस प्रकृति के समान तीन गुणों से प्रभावित नहीं है, है? तो इस यह प्रकृति जो हमें कष्ट दुख त्रिताप त्रयताप देती है वहां पर वो नहीं देगी, हमें सुख देगी। तो सब कुछ जो यहाँ पर है वहां पर है। तो इसीलिए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं अगर इस कर्म को आप जो यहाँ कर्म करते हैं उसको भगवान से जोड़ देंगे तो ऐसा ही अनुभव आप कर सकते हैं जैसे वहां पर कर्म करके अनुभव आप मिलता है, यानी कि भगवत सेवा से ही, यानी कि भगवान की सेवा, भगवान के संग में रह के, भागवतों के संग, भगवान के भक्तों के संग में रह के, भागवत पुराण के संग में रहकर आप देख पाएंगे कि हमारे सारे कर्म जो है वो प्यूरिफाई हो जाएंगे, वो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और इस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं आनंद का, परमानंद का। तो तात्पर्य पे हम थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा प्रकाश डालेंगे। मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। रूढ़िगत यानी कि हमेशा से ये जो भागवत पुराण है कैसे सीखा जा रहा है, केवल परंपरा के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको कहा भगवान ने स्वयं सनत कुमार से, भगवान ने शंकरशन के रूप में सनत कुमार से बोला था। आगे जाकर पहले ही आप, हमने शायद भागवत में देख लिया है शंकरशन के रूप में कि आगे जाके आएगा, क्षमा करें, आगे जाके आएगा सनत कुमार, चार कुमार जो है शंकरशन के पास जाएंगे। तो भगवान शंकरशन स्वयं कृष्ण का ही एक्सपेंशन, स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार ने आगे जाके सांख्यायन मुनि से कहा, फिर सांख्यायन मुनि ने पराशर मुनि से कहा, पराशर मुनि के शिष्य है मैत्रेय। तो इस प्रकार अब मैत्रेय विदुर से कह रहे हैं, इस प्रकार परंपरागत ये अन्य शाखाओं में, विभिन्न शाखाओं में परंपरागत यह आगे बढ़ रही है। तो जो भाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भाग्यशाली है, यानी कि भाग्य, यानी कि जो जो भक्ति में या भागवत पुराण के संपर्क में आ चुके हैं और उसमें रुचि लेते हैं और उसमें आगे तक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे क्या है, तो बड़े भाग्यशाली। और बाकी दोबारा सब, बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो क्या है, अभागे हैं। तो यह बात शायद उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ प्रभुपाद साफ तरीके से लिखते हैं कि केवल वो ही भाग्यशाली है, ठीक है, जो भागवत पुराण के संपर्क में आते हैं, जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। यह भी बहुत ही अच्छी बात है। भागवत कथा आप देखेंगे बहुत जगह होती है, बहुत जगह बोला जाता है, 7 दिन वो एक साथ बैठते हैं और अच्छा टाइम पास करते हैं, क्योंकि सप्ताह, हाँ ये सप्ताह जो ये लोग करते हैं, इस सप्ताह की कोई महिमा कभी कभी भी श्रील प्रभुपाद ने कहीं पर भी नहीं बताया है। जैसे सप्ताह मुझे लगता है इसीलिए वो लोग करते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी और पराशर मुनि 7 दिन वहाँ एक साथ बैठकर भागवत पुराण कह सुन रहे थे, दोनों ही भागवत थे, इसलिए इसका इसका संपूर्ण आनंद का अनुभव कर रहे थे। लेकिन इस सप्ताह में, ये 7 दिन में ना ही सुखदेव गोस्वामी और ना ही परीक्षित महाराज ने एक जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, खाने की बात तो दूर है, ना ही उन्होंने निद्रा यानी कि नींद का आस्वादन किया, यानी कि नित्य रूप से
लेकिन आप देखेंगे यहाँ भागवत कथा होगी तो हर 2 घंटे में स्नैक ब्रेक और समोसा मिलेगा, लेकिन उसमें क्या आनंद है? यानी कि जो संपूर्ण आनंद है, जो भागवत जो कह रहा है और सुनने वाला भागवत, तभी आनंद मिलेगा, नहीं तो हमें भूख लगेगी, हमें समोसा खाने का मन करेगा, बाहर जाने का मन करेगा, यानी कि इसमें कोई आनंद नहीं है। तो इस प्रकार यह बहुत आवश्यक है ये समझना कि भागवत केवल भक्तों के संग में ही सुना जाना चाहिए और हमें कुछ इमिटेट नहीं करना है, हमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बनने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाल लिखते हैं, जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं जादू लिखा है, एनीवेज भौतिक शक्ति के प्रभाव से ही ये क्या हो रहा है, हमारे कर्म जो है, हम कर्म बंधन में फंस रहे हैं। तो हमें 2 चीजों से मुक्त होना है, भौतिक बाह्य शक्ति, भगवान के बाह्य शक्ति से के प्रभाव से मुक्त होना है, और कर्म के बंधन के प्रभाव से मुक्त होना है, यानी कि बीच में रह गया कर्म। अब ये कर्म को अगर हम भगवान के सेवा में लगा देंगे, भगवान के भक्तों के संग में रह के भागवतम सुनने में एवं ऐसे कार्य करने में लगा देंगे जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो क्या होगा, ये जो बाह्य शक्ति जो है वो छूट दे देगी, यानी कि हम किसी शक्ति के प्रभाव में नहीं है, फिर क्या, फिर हम फ्री हो जाएंगे, जैसे कि हम जैसे कहते हैं लोग लिबरेटेड, मतलब वी आर ऑन आवर ओन, ऐसा नहीं है। फिर किस शक्ति के अंतरंग, फिर किस शक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे हम लोग, कोई बता सकता है? अंतरंग शक्ति, बहुत अच्छा। तो यानी कि बाह्य शक्ति से छुटकारा अंतरंग शक्ति के प्रभाव में, लेकिन बाह्य शक्ति में हम किस बंधन का अनुभव कर रहे हैं, अंतरंग शक्ति में हम किस चीज का अनुभव करेंगे, कोई बता? बहिरंग शक्ति में प्रभु जी माया, प्रकृति के तीनों गुण। हाँ, बहिरंग शक्ति में, और अंतरंग शक्ति में भगवान का स्पिरिचुअल एनर्जी, राधा रानी। हाँ, तो अनुभव क्या होगा हमारा? आध्यात्मिक आनंद, टोटल ब्लिस, टोटल आनंद, यानी कि टोटल ब्लिस हो गया अभी, यानी कि हम अभी बैठ सकते हैं आराम से वहां पर जाने के बाद, या फिर अगर हम अभी हमें समझ में आ गया तो हम आराम से बैठ सकते हैं, हम बिना कार्य के बैठ सकते हैं? हम कार्य करेंगे मगर भगवान से रिलेटेड कार्य करेंगे, भगवान की सेवा के लिए। हाँ, उससे किसको आनंद प्राप्त होगा? हमको भी आनंद होगा, भगवान भी आनंद। हाँ, सबसे पहले भगवान को आनंद प्राप्त, यही अंतर, यही फर्क। जब हम यहाँ कार्य करते हैं बाह्य शक्ति के, उससे किसको आनंद प्राप्त हो रहा है? उससे हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। वो आनंद कैसा है? क्षणिक है। तो ये कर्म को अगर हम बदल देंगे, ट्रीट कर देंगे, चिकित्सितम, जैसे कि दूध को दही बना दिया, भगवान की सेवा में लगा देंगे, ट्रीट हो जाएगा। उससे फिर हम किस लिए काम करेंगे? भगवान के आनंद के लिए काम करेंगे। तो यानी कि हमारा कर्म का जो प्रायोरिटी है, जो कर्म करने का जो विधि है, वो बदल दिया जाता है। इससे अब हम किसके आनंद के लिए काम करेंगे? भगवान के आनंद के लिए काम करेंगे। तो भगवान को आनंद जब प्राप्त होगा, हम भगवान के अंश है, हमें भी आनंद प्राप्त होगा, है कि नहीं? यानी कि हम जब कर्म करना प्रारंभ करते हैं, इस भाव से नहीं करेंगे कि हमें आज का लाभ प्राप्त हो, हमें आनंद प्राप्त हो, है कि नहीं? इसको कृष्ण भावना कहते हैं। हम जब भी कर्म करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए, इस भाव से कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म हम इस भाव से कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते, है कि नहीं? अर्जुन ने युद्ध किया कि नहीं? पहले अर्जुन इसलिए युद्ध कर रहे थे, वो सोच रहे थे मेरा किंगडम, मेरे रिलेटिव्स, मेरे, मतलब क्या था भाव उनका? भाव था कि वो उस भाव से प्रारंभ कर रहे थे युद्ध, कि मेरे से इसने मेरा क्या लाभ होगा, या फिर मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे जो किंगडम है उसको। फिर बाद में भगवद्गीता सुनने के बाद अर्जुन ने किसके लिए युद्ध किया? भगवान के लिए। तो यानी कि हर कार्य जब भगवान से इसे जोड़ देते हैं, भगवान से मानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता, तो लोगों को अक्सर जो अवैष्णव है उनको लगता है हमें कैसे पता चलेगा,
कि भगवान को किससे प्रसन्नता हो, भगवान के भक्तों को जिससे प्रसन्नता होती है, यानी कि आचार्य जो कहते हैं उससे, शास्त्र जो कहता है वैसा कार्य करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम ऐसा कर्म करते हैं जो भगवान के प्रसन्नता के लिए, उस भाव से जब कार्य करते हैं उसे कृष्ण भावना कहते हैं। और वो जैसे हम वैसा कार्य करना प्रारंभ करते हैं, हम अंतरंगा शक्ति के इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है हमारा अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत, और हमें आनंद का अनुभव होता है। और वो आनंद जो है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग यानी कि सनातन है, नित्य है, इस प्रकार का आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं। और उस प्रकार के आनंद को जब एक बार चख लेता है, उस प्रकार के आनंद को, फिर इस प्रकार के जो क्षणिक आनंद है उसमें उसकी रुचि गायब हो जाती है। धीरे धीरे उसको, उसे समझ में आ जाता है कि अरे मैं इतने जन्मों से, इतने साल से क्षणिक आनंद के लिए काम कर रहा हूँ और इतना मेहनत कर रहा हूँ गधे की तरह, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर तो बहुत ये जो आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो एक बार जाप करना स्टार्ट करता है, एक बार जो भागवत पुराण पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर उसे उसका रुचि इतना आगे बढ़ जाता है, अगर उसे समझ में आ रहा है कि अगर वो क्या कर रहा है, अगर अभी भी उसके भीतर भौतिक इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा है, तो भगवान विष्णु उसे और एक अवसर देते, बोलते अच्छा ठीक है तुम वो पूरा करके आओ, फिर इस आनंद का अनुभव करना। इस प्रकार तो जिनके भीतर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इसको समझ गए हैं अच्छी तरह से कि हाँ इसमें जो आनंद है वो बड़ा ही लाभदायक है, सबसे अधिक लाभदायक है, तो इसलिए मैं भगवान की सेवा करूंगा और इस प्रकार से सेवा करने से मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, ये बुद्धि व्यक्ति ऐसा करता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं, सकाम एवं निष्काम, है ना। तो सकाम यानी कि जो अपने, जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने इच्छा से उस भाव से कार्य का प्रारंभ करता है। निष्काम यानी कि कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई कार्य करें और उसका और उसकी कामना, उस कार्य की जो लाभ है उसकी कामना ना हो हमने। तो निष्काम का क्या मतलब हुआ फिर? निष्काम का मतलब यह हुआ मेरा लाभ और भगवान का लाभ एक होना चाहिए, यानी कि भगवान के लाभ में मेरा लाभ होना चाहिए, तो इसको निष्काम कहते हैं। ये नहीं कि हमने काम किया और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन जो काम करेंगे वो कृष्ण के प्रवृत्ति, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हम, यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता में जब मेरी प्रसन्नता हो वो निष्काम हो। तो कार्य अवश्य करना है, बिना कुछ कार्य करते हुए हम नहीं बैठ सकते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं, यानी कि वह इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है और शरीर के सुख के लिए वह कार्य करने का प्रारंभ, वे कार्य करने की उनके भीतर प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, तो वे बाह्य शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं और वे कर्म बंधन का अनुभव करते हैं और बंधनों की वजह से कष्टों का अनुभव। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे, यानी कि वे समझते हैं कि ये शरीर जो है मेरे हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए, और मैं जितना चाहिए इसमें जो चाहिए कर सकता हूँ। मृत्यु के विषय में वे कभी ध्यान देते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि वो तो आएगी ही नहीं, पहले इस प्रकार से वो कार्य करते हैं कि मृत्यु आज थोड़ी आना है, और जिस दिन मृत्यु आना है उस दिन भी उनका भाव यही रहता है आज थोड़ी आएगी, लेकिन मृत्यु कैसे है, छुपे हुए शेर के समान है जो दहाड़ कर पाउंस करता है, जो छुपा शेर बुश के बीच में छुप जाता है, झाड़ के बीच में छुप कर बैठता है, जैसे ही दबोच लेता है वहां से दहाड़ कर दबोच, तो उसी प्रकार मृत्यु एक दिन दबोच लेते हैं। जैसे कि हमें ये बिल्कुल किसी के मन में यह विचार होगा ही हो ही नहीं रहा हो कि आज अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना, ये माया का प्रभाव है। तो इस प्रभाव से मुक्त करके ज्ञान के माध्यम से हमें यह समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, इसलिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करना है जो हमें कॉन्फिडेंस देगा, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा।
जीवन की हम मिथ्या भ्रांति, इसको भ्रांति कहते हैं, इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। तो अक्सर जब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार करते थे, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर इस प्रकार कार्य नहीं करेंगे तो आप हमें और आपको, जो भी इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा, हमें विभिन्न अलग अलग योनियों में, हमें योनियों में हमें ये लेना, जन्म लेना पड़ेगा। तो अक्सर कुछ लोग पूछते थे इसमें क्या दुविधा है, अगर हम कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे तो इसमें क्या दुविधा है। तो इस प्रकार अविद्या जिनके मन में है वे इसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भगवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है, बड़ा ही सरल है। तो हम इसमें बहुत कुछ सीख चुके हैं कि कैसे प्रारंभ का मतलब ये नहीं है कि पहले वाला भागवत नहीं, अभी भागवत शुरू हुआ है। दूसरी बात, कैसे हम कैसे परंपरागत भगवान इसको सुना रहे हैं, और परंपरागत भागवत को भागवत से ही सीखना है, भागवत व्यक्ति से ही सीखना है। और इसको सीखने से अति अल्प आनंद का जो लोग अनुभव कर रहे हैं, यानी कि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, वे परमानंद का अनुभव कर पाएंगे बाह्य भगवान के बहिरंग शक्ति से, अंतरंग शक्ति के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी का